मध्य प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, ताकि प्रदेश शिक्षा के स्तर में पीछे न रहे। पर इसके उलट खरगोन जिले के झिरनिया संकुल में अतिथि शिक्षकों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। लगभग 5 माह बीत जाने पर भी अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर अतिथि शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षक संघ जब ज्ञापन देने बीईओ ऑफिस पहुंचा, तो जिम्मेदार कर्मचारी ऑफिस में नदारद मिले, किंतु विभाग के एक बाबू को ही ज्ञापन देकर अतिथि शिक्षक को बेरंग वापस लौटना पड़ा। ऐसी स्थिति तहसील में भी ज्ञापन देने के दौरान बनी। पूर्व में भी संघ के विकास खंड शिक्षा अधिकारी के नाम पर 22 अक्टूबर 2019 को ज्ञापन सौंपा था, किंतु उसके उपरांत भी अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। संघ से जुड़े शिक्षकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दीपावली के पूर्व हम सभी शिक्षकों को वेतन मिल जाना था, किंतु हमारे वेतन के आवंटन को नियमित शिक्षकों के खाते में एरियर के रूप में जमा कर दिया गया। समय पर वेतन नहीं मिलने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी अतिथि शिक्षक संघ ने दी। रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों पर वेतन न मिल पाने का जिक्र भी अतिथि शिक्षक संघ ने किया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये 5 महीने से वेतन नहीं मिला है और इसी संबंध में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। पर झिरनिया संकुल जो है, यहाँ पर लगभग 5 माह बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी आज अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, जिसके संदर्भ में आज हम सभी अतिथि शिक्षक संघ के कार्यकर्ता जो है वो ज्ञापन स्वरूप डीओ साहब को दे रहे हैं, ताकि समय पर अगर वेतन मिलता है तो शिक्षक शिक्षा की अच्छी समुचित व्यवस्था हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज समस्त झिरनियावाला के अतिथि शिक्षक एकत्रित होकर के डीओ कार्यालय में डीओ साहब को एक अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें कि विगत 4 माह पूर्ण हो चुके हैं, 5वां माह चल रहा है, अतिथि शिक्षकों को आज तक वेतन नहीं मिला। और हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली, वह भी निकल गया, उसके पहले हर वर्ष वेतन मिल जाता है, लेकिन इस बार दीपावली का त्यौहार निकलने के बाद भी 1 माह हो गया, लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिला है। वेतन पर ही सब अधिकांश लोग टिके हुए हैं, जिससे उनकी घर गृहस्थी चले। लंबित वेतन मान के संबंध में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हमारे बीओ विकास खंड के बीओ विकास खंड अधिकारी को 22/10/2019 को भी ज्ञापन पूर्व में सौंपा गया था, और दीपावली के पूर्व और उसके बाद अभी वर्तमान 5 माह गुजरने को, इसके पश्चात भी हम अतिथि शिक्षकों का वेतन नहीं डला है, जिससे हमारा घर परिवार और हमारे घर किराना राशन का घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हम अतिथि शिक्षक ब्लॉक झिरनिया से करीब 20-22 किलोमीटर दूर स्कूल का संचालन करने के लिए डेली प्रतिदिन गाड़ी या फिर बस के माध्यम से स्कूलों में जाके शिक्षा का संचालन करते हैं, फिर भी आज तक हमारे 4 माह गुजरने के पश्चात भी वेतन नहीं डला है। पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया, उसके बाद भी नहीं डला है। हमारे झिरनिया ब्लॉक के आसपास जितने भी गोगावा, बढ़वा और महेश्वर जितने भी ब्लॉक है, उन ब्लॉकों का वेतन 4 माह तक का वेतन डल चुका है, परंतु हमारे झिरनिया विकास खंड जो कि एक आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ के स्कूलों का जो अतिथि शिक्षक संचालन कर रहे हैं, उनका वेतन आज तक नहीं डला है। और हमारी आज ये ज्ञापन के संबंध में मांग है, अगर आज आने वाले 8 दिवस के अंदर भी हमारे अतिथि शिक्षकों का वेतन नहीं डलता है, तो हम भूख हड़ताल करने के लिए विवश हो जाएंगे और सारी स्कूलों में ताला लगाना पड़ेगा, जिससे कि शासन की स्कूलों और उनकी शिक्षा गुणवत्ता आने वाली परीक्षाओं में भी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।